अबे पीछे भी ले जाओ, मुंह पे कैमरा लेके आ रहा है। आ रहा है तो सही। Assalamualaikum everyone. So आज मैं आया हूँ North City School of Art. मेरी टीचर ने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पर कि आके इंटरेक्ट करूँ आर्टिस्ट वगैरह के साथ. तो मसला मगर अभी यहाँ पर यह है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं. एक सेकेंड यार, ये कभी भी सही नहीं हो सकता. खैर आज आर्टिस्ट माई सेल्फ मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा इंट्रैक्शन आर्टिस्ट वगैरह के साथ होता है, बिकॉज दे नीड लाइट सीरियसली. मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी अंडररेटेड है और कोई है नहीं जो सपोर्ट करे इस आर्ट वगैरह स्टफ़ को. तो यहाँ पर मैं पहले अपने दो दोस्तों से मिलाता हूँ जो मुझे दिखाएंगे यहाँ पर सारा स्टफ़ वगैरह, डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट. तो आओ. बताना होगा ये कहाँ पर क्या आपको. यार ये अभी हम लोग एन सी एस ए में मौजूद है. एन सी एस ए बेसिकली एक आर्ट से रिलेटेड पूरा इंस्टीट्यूट है. यहाँ पर टेक्सटाइल होता है, फाइन आर्ट्स होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है. चलो जी, अब हम आपको एन सी एस ए का टूर कराते हैं. ये हमारा मेन हॉल है, क्योंकि यहाँ पे सारे शॉर्ट कोर्स के, फाइन आर्ट के, टेक्सटाइल के मिक्स बच्चे बैठे हुए हैं. हम आपको आगे दिखाते हैं. सबसे पहले हम चलते हैं फाइन आर्ट्स. अच्छा, तो मैं अभी फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में हूँ अभी एन सी एस ए के. और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो पेंटिंग्स वगैरह कर रहे हैं. तो मैं इनकी पेंटिंग्स वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ. अच्छा, और सबसे कूल बात यहाँ की है कि यहाँ पर सलाह एक स्टूडेंट है जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं. एंड ही इज़ डेफ बेसिकली, सो ही कैन हेयर एनी थिंग. वो डेफ भी है और वो डम भी है. वो बोल भी नहीं सकता और वो सुन भी नहीं सकता. उसके बावजूद उसका आर्ट, उसका काम इतना अच्छा है. आप लोग जरा देखें. ये बंदा थोड़ा सा मूरों से भी मिल रहा है. वाह, ये पूरा हमारा टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है. सारे अरे अंदर आके बता देना, दिमाग भी टेक्सटाइल. अबे पहले बोल रहे हो बाहर बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो. बताओ कि हम यहाँ जा रहे हैं टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में. ये पूरा जो है ये हमारा टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है. मिस एनी, इनसे मिलिए. मिस 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 हम बोलने की नहीं बैठे थे. अच्छा हाँ, बोलने बोलने पीछे भी ले जाओ, मुंह पे कैमरा लेके आ रहा है. ये हमारी पूरी ये फैशन की क्लास है. यहाँ पे ये लोग बैठ के ये लोग तफरियाँ करते हैं. सबसे मजे की क्लास इस वक्त यहाँ पे. मजे की क्लास ये, यहाँ पे फाइन आर्ट भी होता है, इलस्ट्रेशन भी, वाटर कलर भी, सारे मिक्स मीडियम होते हैं. बड़ा मजा आता है. अरे देखो यार, ये इसने खुद बनाई है. कैसे बनाई है बताओ? क्या मीडियम? और ये मेरा थीसिस वर्क है थर्ड ईयर का. इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने आप को शेप करता हुआ बनाया है, क्योंकि ये मेरा ख्वाब है, समझो शौक है कि मुझे अपने आप को सभी तरफ शेप करने पाए. तो मैंने सोचा अगर मैं रियलिटी में नहीं कर सकती तो मैं पेंटिंग में तो एटलीस्ट कर ही सकती. उसके अलावा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ. सबसे आपको सबसे इंटरेस्टिंग रूम है जो है स्कल्पचर रूम. यहाँ पे बड़े मजे मजे की और बड़ी क्रीपी टाइप की कई सारी चीज़ें होती हैं. क्या 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 जाता है, क्या कर रहे हैं? ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है. इसमें तकरीबन पहले जो है 30 से 35 फ्लोर
प्लास्टर लिया जाता है जिसके थ्रू स्टाइल बनता है। जी सही है, सही ठीक है। और यहाँ कुछ और डिजाइन करते हैं, इसके अलावा ग्लेवर होता है जिसके तो मैं बेसिकली 15 दिन लगते हैं बनाने में। परफेक्ट। और इसके अलावा हम आर्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग करें, हमें इसके अलावा इनसे परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्लान करते रहते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। कुछ मैं आपको जो हमारा अपकमिंग एक इवेंट हम कर रहे हैं बसंत के हवाले से, मैं आपको कुछ वो चीज़ें लाइव दिखाता हूँ जिसकी अभी रिहर्सल्स हो रही हैं यहाँ पर। अरे ये कौन सो रहा है, खड़ा खड़ा सो रहा है, वाह।